गांव की तरफ बढ़ती आग देखकर एसडीएम खुद कूदे आग बुझाने। ग्राम तमोइया में नरवाई में लगी आग की सूचना अनुविभागीय अधिकारी गोपाल सिंह वर्मा को मिली तो वैसे ही एसडीएम साहब तहसीलदार आशुतोष शर्मा राजस्व निरीक्षक अमित गुप्ता के साथ मौके पर पहुंच गए। बढ़ती आग को देखकर अधिकारियों ने कुरवाई समेत सिरोंज की फायर ब्रिगेड को फोन कर बुलाया, लेकिन दमकल गाड़ियों के आने में समय लगने को देखते हुए भीषण आग विकराल रूप धारण करे आग गांव तक ना पहुंच पाए। अनुभागीय अधिकारी वर्मा ने ट्रैक्टर और पंजा बुलाकर खुद ही ट्रैक्टर पर बैठकर आग बुझाने लगे। अधिकारियों को आग बुझाते देख ग्रामीणों के साथ आए अन्य अधिकारियों ने भी आग बुझाने में मदद की और आग को आगे बढ़ने से रोक लिया गया। बाद में दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। इस सजगता को देखकर चारों तरफ एसडीएम के हौसलों की तारीफ हो रही है। कुरवाई से विराट ठाकुर की एक रिपोर्ट। जो है हमारे पास मड़ी जागीर गांव से एक सूचना आई थी कि आग लग गई है, तो हमारी एक फायर ब्रिगेड वहां चली गई थी। फिर पठारी की सूचना आई तो दूसरी फायर ब्रिगेड हमने वहां भेज दी थी। इसी बीच रात के 9 बजे के आसपास फिर एक सूचना आई कि तमोइया गांव में भी एक आग बहुत फैल चुकी है और वो गांव की तरफ आ रही है। अब चूंकि हम दोनों फायर ब्रिगेड हमारी इधर उधर भेज चुके थे, तो मैंने सिरोंज के एसडीएम से बात करके हमारे सोनी साहब से वहां से फायर ब्रिगेड बुलवाई और मैं खुद उस स्पॉट पर अपनी टीम को तहसीलदार रेवेन्यू इंस्पेक्टर पटवारी आदि को लेके पहुंचा। जब मैंने देखा कि गांव की तरफ आग बढ़ती जा रही है और सिरोंज से फायर ब्रिगेड आने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो वहाँ के उपस्थित लोगों से मैंने खुद कहा कि हमें भी इसको बुझाने का प्रयास करना चाहिए। ये खेतों से होती हुई गांव की ओर आ जाएगी क्योंकि खेत गेहूं के हैं और गेहूं के जो खेत हैं उसमें यदि ट्रैक्टर चला करके और इसका विच्छेद कर दिया जाए और इसको आग को बुझाया जाए तो ये संभव है।